इस वक्त कौन कौन से इलाके बंद हैं, कहाँ कहाँ एहतियाज हो रहा है कराची में? पूरे पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और उनके खिलाफ जिनको 70% रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान की आवाम सरहदों पर लड़ने के लिए देती है, आज वो इस पाकिस्तानी आवाम पर वो गोलियां चला रहे हैं। रोड की इमा पर आज जो इसमें हो रहा है, हमारे कायद को गिरफ्तार किया गया है, हम वादे मुतनबे करते हैं कि आप हमें मार सकते हैं, आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, आप हमारे दिलों की धड़कनों से खेल रहे हैं इमरान खान से, उसको फौरी रिहा करें, फौरी रिहा करें, वरना ये पाकिस्तानी आवाम आपके काबू नहीं आए। कितने कारकुनान जख्मी है अब तक आपके पुलिस की शैली को लाठी चार्ज से? 4-5 लोग अभी हमारे हॉस्पिटल में चेक किए हैं, 25 चीज के करीब अंदर पड़े हैं हमारे लड़के जो लाइट की जख्मी है, और 2-3 को जो है अस्पताल दूसरे अस्पताल खींच लिया है। कराची में 4-5 मकाम पर और भी बड़े पैमाने पे हो रहा है। इस वक्त सारा फैसल क्या आप देख रहे हैं कि आम कराची शहरी निकल आया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ सीएम हाउस की तरफ मार्च कर रहे हैं, आप लोग वहाँ जाने का इरादा रखते हैं सीएम हाउस की तरफ? अभी हम सारा फैसल पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह जो भी आया और होगा आगे कायदीन देंगे आगे वही। तो कारकुनान के लिए क्या पैगाम है और कब तक जारी रहेगा? ठीक है, तो ये MNA थे सैफ रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये एहतजाज जारी है आगे की तरफ बढ़ रहा है। मेरे साथ हमारे ताओबैदी साहब सीनियर सहाफ़ी मुस्तकबिल के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। ताओबैदी साहब, शारा फैसल पर इस वक्त एहतियात हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और हमें यहाँ पुलिस नज़र नहीं आ रही, पुलिस पसपा हो गई है, पुलिस आपकी भाग चुकी है, पुलिस जो है वो कहीं भी कंट्रोल करती हुई नज़र नहीं आ रही, और यहाँ पर जो है वो आपके सामने पथराव भी हो रहा है, जलाओ घराव भी हो रहा है, शुरू में शैल बरसाया और उसके बाद फिर पुलिस भाग गई, तो क्या कहते हैं, पुलिस तैयार नहीं थी इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, पुलिस तैयार नहीं थी। जो नर्सरी का स्टॉप है वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, वाटर कैनन भी मौजूद था पुलिस का, और इसके अलावा पुलिस की जो इजाफी नफरी थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जो हमने सूरत हाल देखी वो सूरत हाल बेहतर नहीं थी। जो जज्बा था तहरीक इंसाफ के कारकुनान का वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका था। पुलिस की जो एक कैदियों की बहन थी उसे नजर आतिश किया गया, यहाँ पर टेंशन की चौकी थी उसे उस पर पथराव किया गया, और जो सूरत हाल है अभी भी हमें बेहतर नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो पुलिस है वो मौके पर मौजूद नहीं है, वो पूरे शारा फैसल पर मौजूद नहीं है, और इसके बिल्कुल आगे जो है सीएम हाउस है, वजीरा आला का जो है दफ्तर है वो वहाँ पर है, सिंध असम्बली आगे मौजूद है, और रेड जोन का इलाका जो है अभी थोड़े से फैसले पर शुरू हो जाएगा। जो कारकुनान है वो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ पर तहरीक इंसाफ के मौजूद है, जिनका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए और वो यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, इस वक्त जो वो सुपर हाईवे बंद है, चारा फैसल बंद है, पुरानी सब्जी मंडी के मकाम पर जो एहतजाज हो रहा है, इसके अलावा आपको पता है कहाँ कहाँ जो है एहतजाज हो रहा है? यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इधर जो पुलिस की चौकी है उसके ऊपर भी बताओ किए जा रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं, तो इस वक्त पुलिस के आपके पास इतना क्या है? शहर का मुकम्मल तौर पर मौजूद हो चुका है, सुपर हाईवे बंद हो चुका है, फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुल्तवी हो रहा है या मुताबिक हो रहा है? बिल्कुल, 6 मुकाम पर बड़े एहतजाज कराची में रिकॉर्ड किए गए। बैरिया टाउन में मुकम्मल तौर पर नेशनल हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है, सुपर हाईवे बंद कर दिया गया, शालतीप में एक एहतजाज चल रहा है जो कि नेशनल हाईवे कहलाता है, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, और ये कराची की अहम शाहरा है, और ये जो दफ्तर का टाइम है यहाँ पर बहुत बड़ी जो आबादी है वो यहाँ से गुजरती है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एहतजाज जारी, और ये मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है, जो ट्रैफिक का निज़ाम है मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया है। पुलिस जो है शुरू में कोशिश ये कर रही थी कि सड़क को खुलवा दिया जाए, लेकिन कारकुनान की जो जज्बा है और जो कारकुनान की तादाद है वो ज़्यादा है, वो अभी भी पीछे नहीं हटते। आपका बहुत शुक्रिया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो किसी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, शैल बताए गए, उसके बाद फायरिंग भी हुई, यहाँ पर हमने हमारे साथ हनी माधव शेख भी मौजूद है, गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस एहतजाज को, क्या मजमू सूरत हाल देख रहे हैं, किस तरह का गुस्सा है? इमरान खान कौन सा लीडर है, कौन एहतजाज कर रही है? ठीक है जी जी, देखिए मैं समझता हूँ इमरान खान को आज एक नैब के रिटायर्ड जनरल के कहने पे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, सबको 1 मई के दिन वारंट निकल, छुट्टी वाले दिन इन्हीं के लिए खुलती है ना, इन्हीं जर्नलों के लिए। ये मुल्क हमारा है, हमारे आबा अजदाद ने आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि इस मुल्क के कायद आजम के बाद आने वाले बड़े लीडर को तशद्दुद करके, हमारी तनख्वाहों पे पलने वाले लोग तशद्दुद करके उसको लेकर जा रहे हैं। इमरान खान आज जो रेड लाइन क्रॉस कर दिए, मार दो, जान ले लो हमारी,
माफ नहीं करेंगे किसी को। फौरन इमरान खान को आजाद करो, नहीं माफ करेंगे। ये सूरत हाल कब तक रहेगी? कंट्रोल तक इमरान खान आजाद नहीं होगा। ठीक है, आजाद करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये एहतजाज आप देख रहे हैं हरी मदद शेख की जानिब से ऐलान किया गया। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क्यादत है उनकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है, और देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में, क्योंकि छुट्टी का टाइम था, वर्किंग आवर थे, उसके बाद जब यह गिरफ्तारी अमल में आई तो जैसे जैसे लोगों को, कारकुनान को, पीटीआई के कारकुनान को पता चल रहा है कि एहतजाज जो है वो करना है, तो कारकुनान अब जहाँ मरकजी एहतजाज है, जहाँ पर ज्यादा एहतजाज हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अब कारकुनान की तादाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो इजाफा हो रहा है, और ये ट्रैफिक की जो पुलिस की चौकी है इसको जो है वो शीशे तोड़ दिए गए हैं, इसको नुकसान पहुंचाया गया है। ये आगे आप देख रहे हैं कि ये आग नजर लगाई गई है, दो पुलिस जो गाड़ियां हैं वाटर बोर्ड की, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की, उन दो गाड़ियों को आग लगाई गई है, और चूंकि ये रुकावटें खड़ी करने के लिए जो है वो गाड़ियां पहुंचाई गई थी, और उसके बाद फिर ये पुलिस वैन को पहले जो है वो नजरअंदाज किया गया था। तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल ना सिर्फ नर्सरी की, थाना फैसल की, बल्कि शहर के मुख्तलिफ जो 6 बड़े मकाम हैं वहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है, और जैसे जैसे वक्त ज़्यादा गुजर रहा है, ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है, तो इतनी बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो फिर एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और खूब एहतजाज किया जा रहा है। मजीद सिलसिले में हम कोशिश करते हैं जैसे जैसे लोगों से बात करते हैं आपको आगाह करते हैं सिलसिले में।